मैं अशोक श्रीअरविंदो सोसाइटी के प्रतिनिधि के रूप में आप सभी शिक्षक और शिक्षाविद जो हमारे साथ जुड़े हैं उन सब का हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं, हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं, सच बात तो यह है कि वो जीवन का सार है, जीवन का तत्व है। एक बेहतर जीवन जीने के लिए ये भाव होना ही चाहिए। इस भाव के बगैर कोई भी मनुष्य एक बेहतर जीवन नहीं जी सकता है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। हम उस विषय और विषय के बारे में बात करें, उससे पहले हम चाहते हैं कि एक सुंदर सी कहानी से वो भाव उत्पन्न करें आपके, ताकि उस सब्जेक्ट के उस तत्व और तथ्य के बारे में आप अच्छे से समझ पाए। एक छोटी सी और वो सुंदर सी कहानी है, उससे मैं आरंभ करना चाहूंगा आज की बात। एक हाईवे है, बहुत अच्छा हाईवे जिस पे बड़ी स्पीड से गाड़ियां चलती, गाड़ियां दौड़ रही हैं, और उस हाईवे पे जनरली लोग एक दूसरे को क्रॉस भी नहीं करते, ओवरटेक भी नहीं करते। सभी की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो एक दूसरे के साथ और पीछे चलते हैं। एक वृद्धा भी किनारे हाईवे के किनारे वाली रो में अपनी गाड़ी चला रही, अचानक उसकी गाड़ी हिलने लगती। उसे कुछ एहसास होता है, कुछ गड़बड़ है गाड़ी में। किनारे पे गाड़ी को रोकती है और देखती है कि गाड़ी में कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसकी समझ में नहीं आता कि क्या गड़बड़। शाम का वक्त है, सर्दी का वक्त है, रात होने को है। अब मुश्किल से 5, 7 या 10 किलोमीटर ही बचा था उसका जो लक्ष्य था, जो उसका घर था, जो उसका मकान था, जहां उसे पहुंचना था, और अचानक गाड़ी खराब हो जाती। आपका अनुभव होगा निश्चित रूप से कि हाईवे पे कोई किसी की हेल्प नहीं करता है, सब अपनी धुन में और सब अपने हिसाब से गाड़ी को स्पीडली दौड़ा के ले जाते हैं। उसके साथ भी यही हुआ, तो गाड़ी के बाहर निकली और कई लोगों से हेल्प मांगने की कोशिश भी की, और कई लोगों से ये स्वाभाविक तौर पर आशा रखी कि शायद कोई रोक के मेरी हेल्प करेगा, लेकिन काफी वक्त गुजर गया, कोई नहीं रुका, किसी ने कोई हेल्प नहीं की। इतनी ही देर में पीछे से एक साधारण सी गाड़ी, एक पुरानी सी गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति धीरे धीरे आके उसकी गाड़ी के पास रुक गया। वो अपनी गाड़ी से निकला, जब महिला की तरफ बढ़ने लगा तो निश्चित रूप से उनका मन इस भ्रम से भर गया कि पता नहीं ये व्यक्ति की रूपरेखा देखते हुए कि ये व्यक्ति मेरी हेल्प करने के लिए आ रहा है या मुझे लूटने के लिए आ रहा है। उसके मन में ये भाव था कि पता नहीं ये व्यक्ति मुझे लूटने के लिए आ रहा है या मेरी हेल्प करेगा। इसलिए सर्दी की शाम गाड़ी से बाहर महिला वैसे ही कपकपी छूट रही थी, इस भाव के साथ ये कि व्यक्ति पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा, ये भाव के साथ जो है और सर्दी ज्यादा लगने लगी और वृद्धा कांपने लगी। उस व्यक्ति ने पास आके कहा कि नमस्कार मैम, लगता है आपको कुछ हेल्प की आवश्यकता है, और मैं देख रहा था पीछे से एक आपकी गाड़ी का एक टायर पंचर हो गया है और मैं पहिया बदलना जानता हूं, आप निश्चिंत रहें, आप अपनी डिग्गी खोल दें, केवल अगर आपके पास स्टेपनी है तो मैं स्टेपनी निकाल के आपका पहिया बदल देता हूं, और आप घबराइए नहीं, मुश्किल से 15 मिनट लगेंगे, मैं एक्सपर्ट हूं इस काम में, और आपको बहुत सर्दी लग रही है, जैसा कि मुझे प्रतीत हो रहा है कि आप कांप रहे हैं सर्दी की वजह से, आप गाड़ी में आराम से बैठिए शीशा बंद करके, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपका पहिया बदल देता हूं, बस आप डिग्गी खोल दीजिए। महिला यंत्रवत अपनी ड्राइवर सीट पे जा बैठी
उसने शीशा बंद किया और वहीं से अपनी डिग्गी खोल दी। उस व्यक्ति ने डिग्गी से स्टेपनी निकाली, जैक निकाला, जैक लगाया, आराम से पहिया बदल दिया, सब नट बोल्ट ठीक से टाइट किए और निरीक्षण किया कि हाँ ठीक से टाइट हो गए हैं नहीं हो गए हैं, और जो पंचर वाला पहिया था उठा के डिग्गी में रख दिया। और जब ये सब कुछ काम कर लिया तो उसे ज्यादा समय नहीं लगा, लेकिन जब सब कर लिया तो उसने सोचा कि वृद्धा को एक बार बता दूं कि आपका पहिया बदल गया है, आपकी डिग्गी मैंने ठीक से बंद कर दी है, आपकी स्टेपनी, आपका जैक वो मैंने ठीक से रख दिया है, अब ना अब आप घर जा सकते हैं। तो जैसे ही वो व्यक्ति खिड़की के पास ये सब कहने के लिए आया और उसने ये सब बातें कही, वैसे ही महिला ने थोड़ा सा शीशा खोला और अपने पर्स से कुछ रुपए निकाले और वो रुपए उस व्यक्ति की तरफ बढ़ाए। उसने कहा कि आप एक फरिश्ते की तरह, खुदा की तरह मेरी मेरे पास आए और मेरी हेल्प की है, उसके लिए मैं शब्दों से तो आभार आपका व्यक्त करना ही चाहती हूँ, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन अगर आपको बुरा ना लगे और आप स्वीकार कर लें तो मैं कुछ आपकी मदद करना चाहती। कुछ रुपए उसके हाथ में थे जो उस व्यक्ति की तरफ बढ़ाए, लेकिन उस व्यक्ति ने हाथ जोड़ते हुए नम्रता के साथ कहा कि मैम मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था, मेरा दायित्व था, रास्ते में आप खड़ी थी, आपको थोड़ी सी मेरी हेल्प की जरूरत थी, वो हेल्प करना मेरा फर्ज था, ये मेरा कर्तव्य था जो मैंने पूरा किया है। अगर वास्तव में आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति की मदद कर देना जिस तरह किसी को जिसे मदद की आवश्यकता, जिस तरह आज आपको मेरी मदद की आवश्यकता थी और मैंने आपकी मदद की, ऐसे ही आप किसी मददगार की मदद कर देना। और ये कह के वो जो व्यक्ति था वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। महिला ने बहुत भावपूर्ण तरीके से उस व्यक्ति की तरफ देखा और अपनी गाड़ी स्टार्ट की और चली गई। बहुत देर से सर्दी में खड़ी थी, सर्दी लग रही थी, तो उन्होंने सोचा कि अब तो मेरी गाड़ी ठीक हो गई, मेरा डेस्टिनेशन भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है, मैं जल्दी ही पहुंच जाऊंगी, बेहतर है मैं कहीं कुछ खा लूं। तो उन्होंने सड़क के किनारे एक साफ सुथरा सा होटल था, वहां अपनी गाड़ी पार्क की और होटल के अंदर प्रवेश किया। वो जैसे ही अपनी टेबल पे जाके बैठी, वैसे ही एक महिला जो वेटर का काम कर रही थी, वेटरेस थी, वो उसके पास आई और उसने बहुत नम्रता के साथ कहा कि मैम बताइए आपको क्या चाहिए, आप क्या खाएंगे। जैसे ही उस वृद्ध महिला ने उसकी तरफ देखा तो उसने महसूस किया कि यार ये तो प्रेग्नेंट है और शायद अंतिम समय है, बच्चा पैदा होने की स्थिति में है। तो उसे बड़ी करुणा आ गई और उसने जो भी उसे खाने का ऑर्डर था वो ऑर्डर दिया। वो सोच ही रही थी उसके बारे में कि देखो ये महिला प्रेग्नेंट है और शायद इसका अंतिम महीना चल रहा है, उसके बाद भी शाम के समय सुबह से ड्यूटी करते हुए शाम के समय इतने हंसमुख और इतने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ मेरा उसने स्वागत किया, क्या उसे थकान नहीं होती है, वो कैसे ये सब कुछ अरेंज करती है। ऐसे वो सोच ही रही थी कि वो सुंदर सजी हुई थाली जो भी उन्होंने डिमांड की थी वो लाके उस वेट्रेस ने उसके टेबल पर रखी। वृद्धा ने बड़े मनोयोग से अपना नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद उसने उसे इशारा किया और कहा कि मुझे बिल लाके दीजिए। जब बिल लाया तो वो आया 440 रुपए। महिला ने उसे देखा और 500 का नोट उसके ट्रे में रखा और इशारा किया कि आप बिल पे कर दीजिए। महिला जब वापस आई तो वृद्ध महिला कुर्सी पर नहीं थी। जो बचे 60 रुपए थे उसके साथ जब वेट्रेस वापस आई
तो महिला, वृद्ध महिला टेबल पर नहीं थी, तो उसने सोचा कि शायद ये वृद्ध महिला 60 रुपये मुझे टिप के रूप में दे गई है, और इसीलिए वो उठ के चली गई। तो उसने सहर्ष वो 60 रुपये निकाल के अपनी जेब में रखे, और जैसे ही थाली उठाई जिसमें उसने भोजन किया था, उसके नीचे एक कागज उसे दिखाई दिया। उस कागज पे लिखा था कि आपकी जो स्थिति है उसके अनुसार मैं आपकी कुछ मदद करना चाहती हूं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी इस मदद को स्वीकार करेंगे। जैसे उसने वो कागज उठाया तो देखा कि उस कागज के नीचे 10,000 रुपए थे। वेट्रेस की तो आश्चर्य की सीमा नहीं रही, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कई दिन से बहुत चिंतित थी इस बात को लेके कि अब बच्चा पैदा होगा तो मुझे छुट्टियां भी लेनी पड़ेंगी, और मेरे पास पैसा भी नहीं है, हॉस्पिटल भी जाना है, और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, वो भी पैसा नहीं है, और छुट्टियां लेनी पड़ेंगी तो उसके भी पैसे कटेंगे, कैसे सब कुछ अरेंजमेंट होगा। और ये सब सोचते हुए निश्चित रूप से उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन उसने उसे पैसे उठाए और बहुत सुरक्षित से अपने पास रखे। वह वृद्ध महिला तो जा चुकी, उसने इतना भी मौका नहीं दिया कि वो वेट्रेस उसे आभार प्रकट कर सके। उसने कोशिश भी की झांक के देखने की कि वो गाड़ी पार्किंग में कहीं दिखाई दे जाए, लेकिन वो वृद्ध महिला कहीं नहीं दिखाई दी, वो तब तक तो जा चुकी थी। उसने बड़े उत्साह के साथ अपना सारा काम खत्म किया, होटल साफ सुथरा किया, जो भी काम करना था वो सब खत्म किया। सब काम खत्म करने के बाद अब वो अपने घर की तरफ चली, और जब घर पे पहुंची तो देखा कि काफी रात हो चुकी थी, इसलिए पति सो चुका था, और पति सो चुका था तो वो उस कमरे में गई और उसने बड़े मनोयोग से पति को एक बार किस किया और कहा कि ब्रायन सब ठीक हो जाएगा। और आपको आश्चर्य होगा कि ये वही ब्रायन था जिस व्यक्ति ने हाईवे पे उस महिला की मदद की थी। ये कहानी मैं आपको इसलिए सुनाना चाहता हूं कि यकीन मानिए कि जब भी जीवन में आप अच्छे कर्म करते हैं, जब भी आप कुछ बेहतर करते हैं, तो वो लौट के आपके पास जरूर आता है। और ये एक चैन बनती है, एक स्नेह की चैन बनती है, एक प्यार की चैन बनती है, एक आभार की चैन बनती है। हम जहां जैसा करते हैं वो निश्चित रूप से हो सकता है तुरंत वापस ना आए, लेकिन कभी ना कभी वो निश्चित रूप से ब्याज सहित वापस आता है। इसमें भी ठीक वैसा ही हुआ। ये बाई चांस की बात थी कि उसका परिणाम उसी दिन मिल गया। हो सकता था ये परिणाम 10 दिन, 20 दिन, 2-4 साल के बाद भी मिलता, लेकिन मिलता अवश्य, ये मेरा विश्वास है, ये मेरे जीवन का अनुभव है जो मैं आप लोगों से आज बांटना चाहता हूं। तो ये जो आभार व्यक्त करने का भाव है, इसे हम कहते हैं कृतज्ञता। और आज का जो हमारा सेशन है जिसमें हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं, उसका नाम भी है कृतज्ञता। आखिर ये कृतज्ञता है क्या? हमने भाव तो उत्पन्न कर दिया,
हमने ये भाव तो उत्पन्न कर दिया अपनी कहानी से कि कृतज्ञता का भाव कैसा होना चाहिए और हमें कृतज्ञता के भाव में किस तरह से काम करना चाहिए। और कृतज्ञता का भाव अगर हम में उत्पन्न होता है तो निश्चित रूप से वो भाव उत्पन्न होने से जो बेहतर परिणाम हुआ है उसका कुछ ना कुछ हिस्सा हमारे हिस्से में भी जीवन में अवश्य आता। लेकिन कृतज्ञता का समझने के लिए हम जो इनिशियल स्टेज से बात करते हैं उसी स्टेज से बात करना चाहते। कृतज्ञता का अगर हम संधि विच्छेद करें तो कृत जमा ज्ञ, कृत माने कार्य, कृत माने कर्म और ज्ञ का अर्थ है कि संज्ञान में होना, यानी कि हमने जो कर्म किया है या प्रकृति ने जो कर्म किया है या जो कर्म हुआ है उसे संज्ञान में लाना, उसे स्वीकार करना, उसे एहसास करना, उसे महसूस करना। यहां एक बात थोड़ी सी मैं और जरूर बताना चाहूंगा कि एक शब्द होता है कर्म और एक शब्द होता है कर्तव्य। अगर कर्तव्य को डिफाइन करें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि कर्तव्य इज इक्वल टू कर्म प्लस जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर हम कर्म को संज्ञान में लाने के बजाय ये कहें कि कर्तव्य को जो हम संज्ञान में लाते हैं, उसे जानते हैं, उसे एहसास करते हैं, उसे महसूस करते हैं, तो कृतज्ञता का भाव उत्पन्न हो जाता है। कृतज्ञता के भाव को तो हमने समझा, उसके शाब्दिक अर्थ को भी समझा, लेकिन उसके कुछ तत्व हैं, कुछ फैक्टर हैं जिन्हें समझे बगैर हम उस मचान पर नहीं पहुंच सकते जहां कृतज्ञता बैठा है, क्या कृतज्ञता का भाव बैठा है। सीढ़ियां हमें चढ़नी पड़ी और वो सीढ़ियां हैं अहिंसा, प्रेम और करुणा। ये तीन चीजें हैं जिसे हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम अहिंसा की बात करते हैं। अहिंसा की बात हम सबसे पहले इसलिए करते हैं कि यहां भारतवर्ष एक ऐसा देश है जिसकी स्वतंत्रता ही एक अहिंसक व्यक्ति ने प्राप्त की, जिसका नाम था गांधी। गांधी का जो ये भाव था कि मैं विरोध तो करूंगा लेकिन अहिंसक रूप से करूंगा, और उसमें उन्होंने कामयाबी हासिल की, इसलिए सबसे पहले हम अहिंसा पे बात करते हैं। अगर साधारण सा शब्द लिया जाए तो अहिंसा का अर्थ है कि हिंसा ना करना, और हिंसा नहीं करना का क्या अर्थ है, हिंसा का ना करने का अर्थ है कि हम किसी को जिभे ना करें, किसी को मार ना दें, किसकी हत्या ना कर दें। लेकिन ये बहुत ही संक्षिप्त सा अर्थ है अहिंसा का। अहिंसा को अगर हम पूर्ण रूप से समझना चाहते हैं तो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को हम अपने अगर मन से, अपने कर्म से, अपने वचन से, अपनी वाणी से, अगर हम किसी भी तरह किसी भी व्यक्ति, किसी भी जीव को, किसी भी वनस्पति को अगर हम कष्ट पहुंचा देते हैं तो निश्चित रूप से हम अहिंसक नहीं कहला सकते, हिंसक हम कहलाएंगे। हाँ, हिंसा को बहुत से धर्मों में बहुत तरह से प्रचलित है और बहुत तरह से उसकी व्याख्या की गई है। जैसे जैन धर्म में यह सिखाया जाता है कि हमारे हाथ से हिंसा नहीं होनी चाहिए, हमारे पैर से चींटी नहीं मिलनी चाहिए। उनकी एक जो दो तरह के जैन होते हैं उनमें जो स्वतंबर हैं उनका कहना यह है कि हम नंगे पैर इसलिए चलते हैं कि चींटी हमारे पैर से नहीं मरनी चाहिए। हम मुंह पे कपड़ा इसलिए बांधते हैं कि जो वायुमंडल में, जो वायु में जीवाणु होते हैं वो हमारी सांस के साथ अंदर ना चले जाएं और उनकी हत्या ना हो जाए। लेकिन क्या वो अहिंसक हैं? अगर बहुत सच बात कही जाए तो वो अहिंसक नहीं है, वो हिंसा के खिलाफ। और वो हिंसा के खिलाफ इसलिए हैं कि उन्हें ये बताया गया है कि अगर तुम्हारे पैर से चींटी मरी या तुम्हारे श्वास में जीवाणुओं की हत्या हो गई तो तुम्हें स्वर्ग नहीं मिलेगा। इसलिए स्वर्ग प्राप्त करने के लिए वो हिंसा से बचना चाहते हैं।
सच बात तो यह है कि अगर आप सुबह घूमने जाते हो और घूमने गए हो तो कई बार कुछ लोग आपको मिलते हैं जो चींटियों का जो बिल होता है उस पर कुछ आटा डालते रहते हैं। वो चाहते हैं कि चींटी का संरक्षण होना चाहिए। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जिस खेत में सबसे ज्यादा चींटियां होती हैं उसमें सबसे बेहतर फसल होती है, क्योंकि चींटियां अब जो बहुत सारी मिट्टी है उसे उर्वरा बनाती हैं, उसे खाद का रूप काम करती हैं। चींटियां जब बिल से बाहर निकालती हैं तो छोटे छोटे कणों में होता है और वो उर्वरा शक्ति उसकी बढ़ जाती है पृथ्वी की। तो ये अहिंसक नहीं है। अगर केवल और केवल चींटी इसलिए ना मरे या कोई जीव इसलिए ना मरे कि मुझे स्वर्ग मिल जाए तो ये अहिंसा अहिंसक का भाव नहीं। अहिंसक का भाव है कि हम अपनी वाणी से, अपने कर्म से, अपने वचन से, अपने कर्म से किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति को कष्ट ना दें, ऐसा भाव हमारा होना चाहिए। और अगर ऐसा भाव उत्पन्न हो गया तो निश्चित रूप से हमारी वाणी से कोई ऐसे शब्द नहीं निकलेंगे जो दूसरे को कष्ट दे सके। हम कोई ऐसा कर्म नहीं करेंगे जिससे दूसरे व्यक्ति को कष्ट पहुंचे। हम कुछ ऐसी वाणी नहीं बोलेंगे जिससे दूसरे व्यक्ति को कष्ट पहुंचे। तो हमारे कर्म से, वचन से, हमारी वाणी से किसी से भी किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। असली अहिंसक तो वो भाव है। तो ये भाव उत्पन्न होना चाहिए अगर हम में कृतज्ञता का भाव उत्पन्न करना है। दूसरी बात, हम प्रेम की बात कर रहे थे। प्रेम दो तरह का होता है। एक प्रेम वो होता है जो हम सब करते हैं। हम सब क्या करते हैं? हम अपनी पत्नी से, अपने बच्चे से, अपनी माँ से, अपने फादर से, पिता से सबसे स्नेह करते हैं, सबसे प्यार करते हैं। हाँ, कैटेगरी थोड़ी सी बढ़ती घटती रहती है। कोई अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करता है तो कोई अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता है, कोई अपने पिता से बहुत ज्यादा प्यार करता है तो कोई अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता है, कोई अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करता है। क्या वास्तव में आप सब प्यार करते हैं? निश्चित रूप से आपका जवाब ये हो सकता है कि हाँ सर, प्यार तो करते हैं, पर मैं कहता हूं कि प्यार नहीं करते, क्योंकि वो ऐसा प्यार है जिसमें आपकी अपेक्षाएं भी साथ साथ। जब आप अपने बच्चे से प्यार करते हो तो कम से कम इतनी अपेक्षा तो जरूर रखते हो कि जब मैं मरूं तो मेरा दाह संस्कार मेरा बच्चा करे, क्योंकि हिंदू धर्म में शायद हमें सिखाया गया है कि अगर दाह संस्कार बेटा नहीं करेगा तो स्वर्ग नहीं मिलेगा। इतनी अपेक्षा तो हम रखते हैं। ऐसे ही जो भी नाते हैं उन नाते में जब हम उनसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो उनसे निश्चित रूप से अपेक्षाएं रखते हैं। और जब हम अपेक्षा रखते हैं तो प्रेम नहीं रह जाता है, वो प्रेम नहीं रह जाता है, वो केवल और केवल मोह हो जाता है। इसीलिए जीवन में जो प्रेम की बात करते हैं वो कुछ गिने चुने व्यक्तियों गिने चुने व्यक्तियों के साथ ही होता है, और वो मोह है, प्रेम नहीं है। तो फिर प्रेम क्या है? प्रेम ये है कि हम जिससे प्रेम करें उससे कोई अपेक्षा ना रखें। शायद किसी सेशन में जब नवीन शिक्षक के उदय का सेशन की बात कर रहे थे तो हमने एक शब्द यूज किया था, प्रतिबंधित स्नेह। और हमने बताया था कि पूरे जीवन में एक ही व्यक्ति ऐसा है जो अप्रतिबंधित स्नेह करता है, ये अर्थात वो कोई अपेक्षा नहीं रखता और वो गुरु है केवल। लेकिन हम भी अप्रतिबंधित स्नेह रख सकते हैं। हम भी ईश्वर की प्रत्येक कृति, ईश्वर ने जो भी कुछ बनाया है उस सबसे अगर हम प्रेम करते हैं और बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करते हैं तो निश्चित रूप से वो अलौकिक प्यार होगा, वो ईश्वरीय प्रेम होगा। और अगर वो ईश्वरीय प्रेम उपज जाता है हृदय में तो निश्चित रूप से हम एक ऐसे प्रेम की उत्पत्ति कर रहे हैं जो कृतज्ञता के बहुत करीब जा पहुंच जाएगा। और तीसरी बात जो हमने कहा वो है करुणा। करुणा क्या है उसे समझने से पहले करुणा की उत्पत्ति कैसे होती है उस पर मैं जिक्र करना चाहता हूं। जब आप जीवन जीते हैं, सुबह उठते हैं, तो
कभी आपने सोचा है कि सबसे पहले हमें किसका आभार प्रकट करना चाहिए, किसके प्रति कृतज्ञता का भाव होना चाहिए? शायद आपने नहीं सोचा हो, लेकिन मैं आज आपको बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले उठते ही जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा कृतज्ञता का भाव होना चाहिए अपने शरीर के प्रति। ईश्वर ने जो हमें शरीर दिया है वो ऐसी रचना है दुनिया की, जो रचना प्राप्त करने के लिए लाखों लाखों साइंटिस्ट हजारों हजारों वर्षों तक लगे रहे, लेकिन उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। वो इसलिए प्राप्त नहीं हुआ कि वो ऐसी मशीन नहीं बना पाए, हम ऐसी मशीन नहीं बना पाए कि जो रोटी खिला के ब्लड बना दे। और जब ऐसी मशीन नहीं बना पाए तो ऐसी मशीन हमें किसने दी? ऐसी मशीन हमें दी ईश्वर ने। और जब ईश्वर ने ऐसी मशीन दी तो कम से कम पहले उस मशीन के प्रति आभार व्यक्त कर दें, उस ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त कर दें कि हे ईश्वर, आपने हमें जो ये मशीनरी दी है जो हमारी आत्मा को सुरक्षित रूप से पूरे जीवन सुरक्षित रखती है और आरामदेह रखती है और उसे एनर्जी देती है काम करने के लिए, उस सब का आभार हम प्रकट करें। तो सबसे पहले मनुष्य को अपने शरीर के प्रति आभार प्रकट करना चाहिए। अब आते हैं कि ये शरीर आया कहां से। शरीर आया ये पृथ्वी से, शरीर आया ये जल से, शरीर आया ये वायु से, शरीर आया ये अग्नि से। इन सब के प्रति हमें आभार व्यक्त करना चाहिए। इनके प्रति आभार किस तरह से व्यक्त कर सकते हैं? हम इस तरह से आभार व्यक्त कर सकते हैं कि हम ये महसूस करें कि हमारा जीवन कैसे चलता है, हमारा ये शरीर कैसे चलता है। हमारा शरीर चलता है वायु से, ऑक्सीजन से। और ऑक्सीजन कहाँ से आती है? ऑक्सीजन आती है पौधों से। और पौधे कहाँ से आते हैं? पौधे आते हैं सूर्य की रोशनी से। और सूर्य कहाँ से आया है? सूर्य ईश्वर की एक देन है जो बहुत सारे ग्रहों को, जिसमें पृथ्वी भी है, उसे प्रकाश देते हैं। अगर प्रकाश नहीं होगा तो पौधे जीवित नहीं रहेंगे, पौधे जीवित नहीं रहेंगे तो उनसे ऑक्सीजन नहीं निकलेगी, ऑक्सीजन नहीं निकलेगी तो हमें नहीं मिलेगी, हमें नहीं मिलेगी तो हमारा जीवन नहीं बचेगा। तो हमें उस प्रकृति के प्रति, उस समष्टि के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए जो हमारे जीवन को बरकरार रखती है। अब एक ऐसी बात मैं बताना चाहता हूं जो जनरली लोग नहीं सोचते हैं। कभी आपने सोचा है कि हमें रोटी कहां से मिलती है? कभी हमने सोचा है कि वो किसान जिसने हमारे लिए अनाज उत्पन्न किया बरसात में धूप में मेहनत करने के बाद, क्या उसे उसका पूरा जो भी कुछ उसके बदले में मिलना चाहिए था, क्या वो उसे मिला है? क्या केवल कीमत देके ही भरपाई हो गई है? क्या उसके प्रति कोई आभार नहीं बचता है? क्या उसके प्रति कोई आभार का दायित्व हमारा नहीं बचता है, कर्तव्य नहीं बचता है? निश्चित रूप से बचता है। आज जो हम शर्ट पहन रहे हैं, इस शर्ट को किस व्यक्ति ने बुना है, किस बुनकर ने बुना है, क्या उसके प्रति हमारा कोई कर्तव्य नहीं बनता है कि हम उसके प्रति कुछ आभार व्यक्त करें? क्या जिस व्यक्ति ने इसे सिला है उसके प्रति हमारा कोई आभार व्यक्त करने का कोई फर्ज और कर्तव्य नहीं बनता है? जिस मोची ने हमारे लिए जूते बनाए, जिस कारीगर ने जूते बनाए, जो हमारे पैरों को सुरक्षित रखते हैं, क्या उनके प्रति कोई आभार व्यक्त करने का कर्तव्य हमारा नहीं बचता है? अगर ये भाव उत्पन्न हो जाए कि प्रकृति में हर वनस्पति से लेके हर जीव जो भी प्रकृति में है वो हमारे लिए कुछ ना कुछ काम करता है, हर व्यक्ति जो हमारे लिए कुछ अदृश्य दृश्य जो भी व्यक्ति हैं जो हमारे लिए काम करते हैं, उन सबके प्रति निश्चित रूप से का आभार व्यक्त बस आभार व्यक्त करने का एक फर्ज हमारा बनता है। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि हम जो भी कुछ जीवन जी रहे हैं, जो भी सुखद जीवन जी रहे हैं, वो निश्चित रूप से उन तमाम लोगों की देन है
जो बहुत सारे लोग दृश्य हैं और बहुत सारे लोग अदृश्य, जो बिल्कुल हमारे पटल पे नहीं आते हैं, उन सबके प्रति अगर एक भाव उत्पन्न हो जाए कि इनके प्रति हमारे मन में एक कृतज्ञता का भाव हो जाए, एक आभार प्रकट करने का ही भाव हो जाए, तो यकीन मानिए आपके दिल में उनके प्रति एक सम्मान का भाव भी उत्पन्न हो जाता है। जैसे किसी क्लॉथ मिल से निकलते हुए मजदूरों को जब आप देखेंगे कि उनके कपड़े गंदे होते हैं, उनके बाल बिखरे होते हैं, बहुत थका थका सा मजदूर शाम को निकलता है, आज तक हम यही सोचते रहे ये मजदूर हैं, ऐसा भाव उत्पन्न होता रहा। लेकिन अगर हमें एक भाव आ जाए कि यही व्यक्ति है जो मुझे कपड़ा देता है, यही व्यक्ति है जो मुझे सर्दियों से बचाता है, यही व्यक्ति है जो मुझे गर्मी से बचाता है, अगर ये भाव उत्पन्न हो जाए तो निश्चित रूप से उसके प्रति सम्मान का भाव जागृत हो जाएगा। जिसे हम ऊंच नीच की जातियों में बांटते हैं वही आपके लिए जूता बनाता है, उसके प्रति अगर ये भाव हो जाए कि अगर ये जूता मुझे नहीं मिले तो मेरा पैर घायल हो जाएगा, अगले दिन मैं चल नहीं पाऊंगा, तो उसके प्रति निश्चित रूप से एक सम्मान का भाव उत्पन्न हो जाएगा। तो कृतज्ञता का भाव उत्पन्न होके मनुष्य करुणा में ही हो जाता है और करुणा में ही होके आदमी आध्यात्मिक हो जाता है। इसीलिए बुद्ध ने एक बहुत सुंदर बात कही और ये बात कही कि अगर आप आध्यात्मिक होना चाहते हैं तो आपको करुणा में ही होना ही पड़ेगा, या आध्यात्मिक होने के बाद आप करुणा में ही हो जाते हो। इसलिए करुणा का और कृतज्ञता का बहुत गहरा रिश्ता है। अगर करुणा पैदा हो गई तो कृतज्ञता का भाव उत्पन्न हो जाता है, और अगर कृतज्ञता का भाव उत्पन्न हो जाए तो आप करुणा में ही हो जाते हैं। इसलिए इनका बहुत गहरा संबंध। अब मैं एक छोटी सी बात कह के अपनी बात खत्म करना चाहता हूं कि हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में सुबह से शाम तक 50 से 60 हजार विचारों की उत्पत्ति होती है, और इन विचारों की जो उत्पत्ति है उसे रोका नहीं जा सकता, वो कंटिन्यूअस चलती रहती है। अब या तो इन्हें कंट्रोल करके अगर आप चाहते हैं एक बेहतर जीवन जिए, तो एक तरीका तो यह है कि उसे हम कंट्रोल करें, और इस दुनिया की ये हिस्ट्री है, इस दुनिया का ये इतिहास है कि जब भी हम किसी चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं वो और तेजी के साथ उसकी उत्पत्ति होती है। जितना हम किसी चीज को, किसी आंदोलन को दबाने की कोशिश करते हैं, उसकी उत्पत्ति उतनी ही जोर से शुरू हो जाती है। तो ये तो आसान काम नहीं, इसलिए उन्हें कंट्रोल तो नहीं किया जा सकता। अब कंट्रोल नहीं किया जा सकता तो फिर क्या करें? बस एक ही भाव है अगर आप अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं, कि जो वो भाव है उन्हें कृतज्ञता के भाव में हम बदल दें। जो भी भाव आए उसमें कृतज्ञता का भाव, हम करुणा का भाव, अहिंसा का भाव, हम प्रेम का भाव अगर उत्पन्न कर दें तो वो तमाम विचार हमारे जीवन को बहुत बेहतर बना सकते हैं, और बेहतर बना सकते हैं तो यही तो हम सब चाहते हैं। हम सब यही तो चाहते हैं कि हमारा जीवन बेहतर हो, और बेहतर बनाने के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता कि हम अपने अंदर कृतज्ञता का भाव उत्पन्न कर लें। यकीन मानिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर कृतज्ञता का भाव, आभार का भाव उत्पन्न हो जाए तो आपका अहम नष्ट हो जाता है। जो अहम है मनुष्य में वो नष्ट हो जाता है, और अहम अगर नष्ट हो जाए और कृतज्ञता का भाव उत्पन्न हो जाए तो करुणा फूट निकलती है, और करुणा फूट निकलती है तो फिर वनस्पति हो या जीव हो, चींटी हो या हाथी हो, सबके प्रति एक ही भाव उत्पन्न हो जाता है, सबके संरक्षण का भाव पैदा हो जाता है, सबसे हमें स्नेह हो जाता है, अप्रतिबंधित स्नेह हो जाता है बिना किसी अपेक्षा के, उनका संरक्षण बना रहे यही भाव उत्पन्न हो जाता है। और अगर ये भाव उत्पन्न हो जाए तो फिर किसी स्वर्ग के कल्पना की आवश्यकता नहीं, किसी स्वर्ग के कल्पना के आधार पे वहां पहुंचने की आवश्यकता नहीं है। ये दुनिया, ये देश, ये हमारा समाज सब एक स्वर्ग में परिवर्तित हो सकता है। आज मैं इतना ही हिस्सा आपके साथ बांटना चाहता था। कल हम बात करेंगे कि शिक्षा में कृतज्ञता का भाव कैसे उत्पन्न किया जाए, शिक्षक की भूमिका कृतज्ञता का भाव उत्पन्न करने में कितनी महत्वपूर्ण है,
शिक्षा में अगर कृतज्ञता का भाव ला दिया जाए तो अगली पीढ़ी किस तरह से बेहतर हो सकती है, एक मनुष्य का समाज कितना बेहतर हो सकता है, जीवों के प्रति क्या दृष्टिकोण हमारा हो सकता है, समाज और पूरा संसार कितना स्वर्ग में हो सकता है, इस सब पे हम आपके साथ कल चर्चा करेंगे। आज का जो विषय था उसके संबंध में अगर किसी के भी मन में कोई प्रश्न हो तो निसंकोच हमसे पूछ सकता है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इसका आंसर करने का प्रयत्न करें, और अगर नहीं कर पाएंगे तो निश्चित रूप से अगले सेशन में आपके उस प्रश्न का जवाब दे के अगला सेशन शुरू करेंगे। मैं आप सबसे उम्मीद रखता हूं कि जब भी हमारा सेशन होता है तो तमाम लोग, क्योंकि आपके मन में जो भी जिज्ञासा उठती है उसे आप नोट कर सकते हैं, आप लिख के भी भेज सकते हैं, और सेशन के दौरान अगर आप लिख लेंगे तो आपका क्वेश्चन मरेगा नहीं, अन्यथा की स्थिति में उसे याद रखना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई संदेह है, उवापोह की स्थिति है, कोई भी भाव ऐसा है, तो आप निश्चित रूप से हम तक पहुंचाएं। हमें भी अच्छा लगता है कि आपके, हमें ऐसा एहसास होता है कि आप हमारी बात ध्यान से सुन रहे हैं, तभी आपके मन में क्वेश्चन उपजे हैं। इसलिए अगर किसी के भी मन में कोई भी बात है तो वो निश्चित रूप से पूछ सकता है, मैं उसका हार्दिक स्वागत करूंगा। आइए हम आपके क्वेश्चन का इंतजार करते हैं। हेलो हेलो हेलो, छोटा का आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो, हाँ सर प्रणाम, खुश हो। मैं राकेश बोल रहा हूँ सर, राकेश कुरारिया। हाँ मैं राकेश बोल रहा हूँ, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था तो कुछ क्वेश्चन मेरे मन में आए। हाँ बोलिए। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि जितने भी मूल्य हैं क्या हम उनको सदाचार की संज्ञा दे सकते हैं, क्वेश्चन नंबर वन। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जितने भी मानवीय मूल्य है क्या उनकी धुरी प्रेम है। बस दो ही क्वेश्चन है सर। तो हम दूसरे क्वेश्चन का पहले जवाब देंगे और आपके पहले क्वेश्चन का जवाब उसके बाद देंगे। ठीक है सर। ठीक, आपने कहा कि क्या जो मनुष्यता है, जो मानवता है, क्या उसका आधार प्रेम है। जी यही क्वेश्चन है ना आपका। जी हाँ, पहला क्वेश्चन ये है और दूसरा ये है कि जितने भी सारे मानवीय मूल्य हैं क्या हम उनको सदाचार की संज्ञा दे सकते हैं। देखो राकेश जी सर, अभी हमने प्रेम पे थोड़ी सी बातचीत की थी। जी सर, जी सर। प्रेम एक ऐसा शब्द है जिसकी जो व्याख्या है उसे अगर हम उसकी व्याख्या करें तो शायद कितने ही घंटे और कितने ही दिन बोल सकते हैं कंटिन्यूअस। जी सर। मैं थोड़ा सा आपको पिछले उसमें ले जाना चाहता हूं कि अगर कृष्ण को आपने पढ़ा हो जी, तो कृष्ण को सब प्यार करते थे। जब वो बच्चा था तो सारी गोपिकाएं और सारी माएं जो यशोदा के साथ थी वो सब उसे प्यार करते थे। हाँ सर। और जब उसे इतना प्यार मिला कि हर घर में प्यार मिला, हर घर में माखन मिला, तो प्रेम उपज गया कृष्ण में जी। और उसने बांटना शुरू किया तो अपने साथियों को बांटना शुरू किया। जब किसी की हांडी तोड़ता था तो खुद तो मक्खन खाता ही था, अपने साथियों को भी खिलाता था। जो उसकी सहपाठी थी लड़कियां, जो गोपिकाएं थी, उनसे बहुत स्नेह करता था और सारी गोपिका उससे स्नेह करती थी। हाँ सर। और जब वो वहां से छोड़ के चले गए तब भी वो स्नेह मरा नहीं, जीवित रहा, क्योंकि उसमें अपेक्षाएं नहीं थी। कृष्ण अपने अपने साथियों को इसलिए मक्खन नहीं खिला रहा था कि उन्हें उनसे कोई अपेक्षा थी, या गोपिकाओं को जो वो स्नेह करते थे या गोपिकाएं उन्हें स्नेह करती थी उनमें कोई अपेक्षा नहीं थी। कुछ ऐसा नहीं था कि मैं ऐसा करूंगी तो मुझे ऐसा मिलेगा। तो प्रेम एक ऐसा भाव है जो दो व्यक्तियों, दो आत्माओं के बीच की जो रेखा है उसे खत्म कर देता है। इसलिए मैं कई बार अपने सेशंस में एक बात कहता हूं कि संपूर्ण समर्पण ही अलौकिक प्रेम की उत्पत्ति है या अप्रतिबंधित स्नेह का आधार है। तो हम जब संपूर्ण समर्पण करते हैं अर्थात हम कोई अपेक्षा नहीं रखते,
कई बार हम पैर छूते हैं ना किसी के, तो ऐसे भाव के साथ रहते हैं कि हमें अच्छा सा कोई आशीर्वाद मिल जाए। हम अगर किसी को कुछ दान पुण्य करते हैं तो देखते हैं कि यार दूसरे लोग भी हमें देख रहे हैं, नहीं तो उनसे थोड़ा सा सम्मान मिल जाए, और खुदा अगर देख रहा हो तो थोड़ा सा हमें स्वर्ग का हिस्सा मिल जाए, ये भावना उपजती है। तो वो संपूर्ण समर्पण नहीं है, वो समर्पण भी नहीं है, संपूर्ण समर्पण की तो बात अलग है। तो प्रेम एक ऐसा भाव है जो संपूर्ण समर्पण के बाद पैदा होता है, और संपूर्ण समर्पण में जब आप करते हो तो आप नहीं रह जाते, इसलिए अभिमान और कुछ भी अपेक्षाएं और वो सारी चीजें जो जनरली उपजती हैं साधारण व्यक्ति में, वो भी खत्म हो जाती है। इसलिए इसमें कोई शक नहीं है, 1% भी शक नहीं है कि अगर किसी भी मनुष्य का आधार प्रेम है तभी वो मानव है, अन्यथा तो पशु ही है, आधा पशु है। बहुत बेहतर। अब दूसरी बात आपने कहा कि जो हमारे मानवीय मूल्य हैं वो सदाचार। जी सर, ये क्या आता है? तो उसका कहना ये है कि अगर मानवीय मूल्य का आपने सेशन सुना हो तो मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि हमारे जो मूल्य हैं वो 3 तरह के होते हैं। जी जी, मैंने सुना था सर। सामाजिक मूल्य, नैतिक मूल्य और मानवीय मूल्य। जी, सदाचार क्या है? सदाचार है हमारे नैतिक मूल्य। नैतिक मूल्य समाज निर्धारित करता है, लेकिन हम उसे पालन करें ना करें उसमें दंड का प्रावधान नहीं होता है। हमें अगर सिखाया गया कि अपने गुरुजन का आपको सम्मान करना चाहिए, अपने माँ बाप का सम्मान करना चाहिए, अपने भाई बहनों को प्यार करना चाहिए, अपने पड़ोसियों से सौहार्दपूर्ण वातावरण रखना चाहिए, ये सब नैतिकता है जो समाज बताता है, समाज को एक सुंदर समाज, एक भावनात्मक रूप से समाज को विकसित करने के लिए जो चीजें की जाती हैं। लेकिन उसे हम माने या नहीं माने वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। अगर हम मानेंगे तो हमें संतुष्टि मिलती है, हमें अच्छा लगता है, अगर नहीं मानेंगे तो कोई दंड का प्रावधान नहीं है। जी। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि निश्चित रूप से जो आप कह रहे हैं कि वो सदाचारी हैं, और क्या है सदाचारी कहा जा सकता है उन्हें, अगर हम जो भी नैतिक मूल्य है उन्हें सदाचार कहा जा सकता है, मतलब ऐसा आचार, एक ऐसा व्यवहार हमारा जो सबे भाए, सबे अच्छा लगे, वही तो सदाचार होता है, और हमें भी सबसे पहले हमें भाए, इसलिए उसे सदाचार शब्द भी दिया जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं। हेलो हेलो, हाँ सर, आपकी बात मेरे को समझ में आ गई, और मुझे ऐसा लगता है जो जब हम सदाचार बोलते हैं तो सदाचार में सत्य का समावेश होता है। यही पूछना चाह रहा था कि सत्य का समावेश होगा, जहां सत्य होगा वहां सदाचार है। ये बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है कि सत्य क्या है। सत्य वो नहीं है कि जो जो घटा घटना घटी है उसे आप वैसा ही बता दें जी, जैसी घटना घटी है। सत्य ये भी है, हाँ सर, कि जो घटना घटी है हम उसे उस तरह से प्रेषित करें कि वो जिसे जिस आदमी को जो बताई जा रही है उसके लिए उपयोगी हो। जी सर। इसलिए बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे बुजुर्ग, हमारे वो रिश्तेदार, हमारे वो सहयोगी, हमारे वो हितेशी, हमें उस रूप में नहीं। अब सपोज उदाहरण के तौर पे किसी के बच्चे की डेथ एक्सीडेंट में हो गई। जी सर। और आपको पता चल गया, आपको ये दायित्व मिला कि आप उसके घर जाके उसे सूचित करना है उसके परिवार को। हाँ सर। आप क्या करते हैं, बाहर से दरवाजे से आवाज देनी शुरू करते हैं कि आपके आपके बच्चे की डेथ हो गई है एक्सीडेंट में। जी। या बहुत सहज भाव से उसके घर में जाते हैं, थोड़ी सी भूमिका बनाते हैं, फिर ये कहते हैं कि यार वहाँ रास्ते में एक बस का एक्सीडेंट हो गया है, क्या आपका बच्चा भी तो वहां कहीं से नहीं आ रहा था, मैं ये पूछने आया हूँ। तब वो कहते हैं कि हाँ हमारा बच्चा भी आ रहा था और बस में ही आ रहा था, क्या बस नंबर है। थोड़ा सा घुमाते हैं फिराते हैं, फिर कहते हैं उसका एक्सीडेंट हो गया है, हॉस्पिटल में उन लोगों को एडमिट किया गया है। तो मानसिक रूप से तैयार हो रहा है जी सर। वो उस घटना के लिए, उसे स्वीकार करने के लिए वो तैयार हो रहा है।
और फिर वो हॉस्पिटल जाता है, वहां देखता है कि उसकी डेथ हो गई है, डेड बॉडी उसे मिलती है, लेकिन तब तक वो मानसिक रूप से तैयार हो गया था। तो क्या ये असत्य बोल रहे थे आप? सत्य बोल रहे थे, सत्य बोल रहे थे, क्योंकि बोल तो असत्य रहे थे, आपको पता था, चाहे तो दो शब्दों में उसे बता सकते थे कि ये मसला है जी हाँ, लेकिन आपने नहीं बताया। आपने नहीं बताया इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप उसे मानसिक रूप से तैयार करना चाहते थे कि उस घटना को स्वीकार कर ले। जी हाँ ठीक। तो ऐसे ही सत्य और असत्य की कोई परिभाषा नहीं है। अगर मेरा व्यक्तिगत मत यह है कि सत्य वो है जो दूसरे व्यक्ति जिससे वो वार्तालाप किया जा रहा है, जिससे वो व्यवहार किया जा रहा है, उसके लिए उपयोगी है या नहीं है, उसके हित में है या नहीं है, उसके लिए कुछ फायदेमंद है या नहीं है, अगर वो है तो निश्चित रूप से वो सत्य है, और अगर नहीं है तो असत्य। इतिहास में एक आता है, द्रोणाचार्य का जब वध किया गया तो उन्हें अपने बच्चे से बहुत प्यार था जी, और उसी नाम का एक हाथी भी था, उसे कृष्ण ने भीम से मरवा दिया, क्योंकि वो जानते थे कि शाब्दिक रूप से भी युधिष्ठर असत्य नहीं बोलेगा, शाब्दिक रूप से तो उसे सत्य बुलवाना ही पड़ेगा। इसलिए उसे मरवाने के बाद फिर जो है उन्होंने उसे कहा द्रोणाचार्य से कि अस्तुथामा हतो, तो अस्तुथामा, वो द्रोणाचार्य जानते थे कि केवल एक ही व्यक्ति है जो सत्य बोल सकता है, जो मुझे सच्चाई बता सकता है, वो झूठ नहीं बोलेगा। तो युधिष्ठर से जब पूछा उन्होंने कि ऐसा कुछ है, तो उन्होंने कहा अस्तुथामा हतो नर नहीं कुंजरो, कुछ इस तरह से उन्होंने कहा कि नर नहीं था वो कुंजर था, यानी के हाथी था। लेकिन लेकिन जब वो हिस्सा बोला गया तो कृष्ण ने ढोल बजवा दिए, कुछ आवाज करा दी, कुछ शंख बजवा दिया, कुछ करवा दिया कि वो शब्द वहां द्रोणाचार्य तक पहुंचे ही नहीं। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है पूरे इतिहास में कि युधिष्ठिर ने सत्य बोला या असत्य बोला, क्योंकि क्योंकि वो दूसरे के अनहित में था, उसके कारण ही उसकी मृत्यु हुई, इसलिए असत्य था। इसलिए युधिष्ठिर पे ये आरोप है इतिहास में कि उन्होंने अपने जीवन में एक बार तो असत्य बोला है। जी जी, लेकिन बोला तो सत्य था, उसने असत्य कहां बोला? ये सत्य और असत्य की जो परिभाषा है वो एक ही परिभाषा है जो मैं स्वीकार करता हूं, जो मेरे मत में है, और हो सकता है बहुत सारे विद्वान अलग ढंग से उसे उच्चारित करें, लेकिन मैं एक ही बात मानता हूं, और ये बात है कि अगर कोई भी आपका वचन, आपका व्यवहार दूसरे के लिए हित में है, उसके हित में है, तो निश्चित रूप से वो सत्य है, अगर उसके हित में नहीं है तो वो असत्य। ठीक है सर, समझ में आ गया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड एक्सप्लेनेशन। चलो ठीक है, ओके सर, ओके सर। हाँ हाँ मैम बोलिए। हेलो हेलो, बोलिए मैम। हेलो बोलिए मैम, कैसे बोल रहे हो? हाँ, हम सुनते हैं और देखते हैं और महसूस करते हैं, तब उसको सत्य मिलते हैं। जो हम बातें सुनते हैं, बोलते हैं और देखते हैं और महसूस करते हैं, वो सत्य होता है, ऐसा मैं तो मुझे लगता है। लेकिन ये बात हम कौन से एज को बच्चों को बोलेंगे? उनको समझाना है ना, तो एज क्या होनी चाहिए? क्योंकि वो छोटे बच्चों को हुआ, प्राइमरी लेवल में हमने बोला तो माँ बाप का नहीं सुनेंगे, क्योंकि कानों में नहीं सुना था, आंखों में नहीं देखा था, ऐसे बोलेंगे। तो ये बात है ना, हम कौन से लेवल पर समझा सकेंगे कि हम देखेंगे, सुनेंगे और महसूस करेंगे वो सत्य है? देखो मैम, जो आप कह रहे हैं ना कि हम जो देखेंगे, महसूस करेंगे और सुनेंगे, वो उस आधार पे हम सत्यता का निर्धारण करेंगे कि वो सत्य क्या है, नहीं क्या है। ये बहुत एक एक साधारण व्यक्ति की परिभाषा है, एक साधारण एज की परिभाषा है, उसमें ये तीनों चीजों को आधार मानते हुए हम सत्य और असत्य का निर्धारण कर सकते हैं। लेकिन जो आपका दूसरा क्वेश्चन है कि अगर प्राइमरी का बच्चा है तो हम उसे कैसे सिखाएं कि सत्य क्या है, उसका एक ही तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। प्राइमरी के बच्चे को हम एक ही बात सिखा सकते हैं कि देखो बेटा, आपके व्यवहार से अगर किसी दूसरे व्यक्ति को कष्ट होता है तो असत्य है, इसलिए हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे अपना जो साथी बैठा है आपके साथ,
या दूसरे बच्चे हैं आपके साथ, या शिक्षक है आपके साथ, या कोई पियोन है आपके साथ, उन सबके सबको जो है वो बुरा ना लगे, वो सत्य है। तो प्राइमरी के बच्चे की जो प्राइमरी एजुकेशन है उसमें ये भाव उतारना है हमें कि जो दूसरे को हितकर लगे, जो दूसरे को रुचिकर लगे, अच्छा लगे, उसे वो ही सत्य है। प्राइमरी के बच्चे को तो केवल यही बात सिखाई जा सकती है और ये सदाचार में आती है। और निश्चित रूप से अगर बच्चे में ये भाव उत्पन्न हो गया कि मेरा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि दूसरे के प्रति जो है वो सम्मानजनक हो, उसे अच्छा लगे, जैसे आपने देखा होगा कि प्राइमरी के बच्चे में भी अगर कोई बहुत ठीक ठाक घर से है, उसके घर में दो चार नौकर रहते हैं, तो अपने माँ बाप को नौकरों के प्रति जो व्यवहार है, उसकी जो भाषा है, उसे देखता है। वो ही भाषा अगर वो स्कूल के जो पियोन है उसके साथ अगर वो पैदा करता है, तो निश्चित रूप से वो अच्छा नहीं लगेगा ना, दूसरों को भी अच्छा नहीं लगेगा, उसे भी अच्छा नहीं लगेगा, शिक्षक को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो प्राइमरी के बच्चे को तो हम केवल एक ही बात सिखा सकते हैं कि ऐसा व्यवहार हमें करना चाहिए जिससे जो है दूसरे व्यक्ति को कष्ट ना हो, ये भाव हम उत्पन्न कर दें, तो शायद हम उसकी प्राइमरी की जो शिक्षा है सत्य के बारे में उसे हम शुरुआत हमने शुरू कर दी है। बाकी तो पूरा जीवन पड़ा है सत्य और असत्य समझने के लिए, ऐसा मेरा सोचना है मैडम। हाँ, फेसबुक से कोई क्वेश्चन बता रहे थे। अमित नेमा का एक क्वेश्चन आया है फेसबुक पे, मैं पहले क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ ताकि सभी लोग सुन सकें। उन्होंने कहा कि हमारे आसपास के लोग अगर हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं तो हमें उनके साथ क्या करना चाहिए। सर प्रणाम, सर अमित बोल रहा था। हाँ बोलिए अमित। सर क्वेश्चन ये था कि एक्चुअली दो क्वेश्चन है, एक कि एज वी आर द ह्यूमन बीइंग्स, तो हम किसी से कोई व्यवहार करते हैं ना कोई अपेक्षाएं तो हो जाती हैं, तो वो पूर्ण समर्पण या प्रेम की भावना तो आ नहीं पा रही है। तो जब कुछ अपेक्षाएं होती है हमसे, तो फिर दूसरे लोग यदि कुछ और बिहेव करते हैं तो हमको दुख होता है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? मतलब कोई हम किसी से कुछ बोल रहे हैं, वो कुछ दूसरी बात करने लगता है, तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? मानवीय मूल का सेशन आपने लिया था हमारे साथ। यस सर, जी जी, हमने उसमें एक बात कही थी आपसे कि जो आपका बुनियादी मूल्य है, जो आपकी धारणाएं हैं, अगर उसके अनुकूल कोई व्यक्ति आपके साथ व्यवहार करता है, बातचीत करता है या वार्तालाप करता है तो आपको अच्छा लगता है। लेकिन अगर आपके बुनियादी मूल्य आपकी धारणाओं के कोई खिलाफ या विपरीत या प्रतिकूल अनुकूल कोई बात नहीं करता है तो निश्चित रूप से आपको कष्ट होता है, परेशानी होती है। और हमने ये भी बताया था कि उसे हल करने का एक ही तरीका है, उसका एक तरीका यह है कि ये स्वाभाविक प्रक्रिया है कि आपका बुनियादी मूल, आपकी धारणाएं, आपकी सोच, आपकी अपेक्षाएं, आपका मोह, जो कुछ मांग रहा है सामने वाले व्यक्ति से, अगर वो नहीं मिल रहा है तो आपको कष्ट होता है। कष्ट तो होता ही है, कई बार आप प्रतिक्रिया में आपके जो बुनियादी मूल्य है, जो आपकी धारणाएं हैं, उससे दूर चले जाते हो, यानी कि अपना घर छोड़ देते हो। और उसका यही तरीका है बेहतर कि आप जल्दी से जल्दी वापस अपने घर लौट आओ। तो अगर कोई व्यक्ति आपके मुताबिक आपसे व्यवहार नहीं कर रहा तो उसमें परेशानी होना स्वाभाविक है, एक सामान्य प्रक्रिया है, एक सामान्य व्यक्ति के साथ निश्चित रूप से वो ऐसा होगा ही। लेकिन हमारी सफलता इस बात में है कि हम उसे बहुत जल्दी डिलीट कर दें, यानी कि उसे रिजेक्ट कर दें, उसे ये स्वीकार करते हुए कि ये उसका मामला है, ये मेरा मामला नहीं है, और हम तुरंत अपनी उस स्थिति में वापस आ जाएं जो स्थिति एक्चुअल में हमारी स्थिति है। ये ही एक तरीका है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। मैं अगर ये कहूं कि ये भावी उत्पन्न ना हो, हमें कोई गाली दे के चला जाए और हम मुस्कुरा दें, ये तो फिर बुद्ध बन जाएंगे, आप सामान्य व्यक्ति नहीं रहेंगे। उसके लिए वही तो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे तक। जी सर, इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा स्लो है आज सर, तो यही बोल रहा हूँ। मतलब वही बिल्कुल सही बात बोला आपने कि हम क्रिया के बदले प्रतिक्रिया दे देते हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है, वो
हम अपना बुनियाद छोड़ देते हैं, बस वही कैसे करें उसको। तो हमें हमें उस बुनियाद पे जल्दी से जल्दी वापस आना है बस। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। चलिए अब हमारा समय समाप्त हो गया है, सामने से इशारा आ रहा है कि हम अपना सेशन समाप्त करें। सर एक क्वेश्चन मेरा भी है सर। हाँ बोलिए। प्रणाम सर। खुश रहो सर। मेरा क्वेश्चन है, आपने अनुभव की बात की थी कल सर, कि अनुभव बहुत जरूरी होता है किसी चीज को सिखाने के लिए, पर सर मैं थोड़ा इसके साथ एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि सर क्या अनुभव पहले से ही होता है? क्योंकि जब माँ किसी बच्चे को जन्म देती है और उसको जब भूख लगता है तो उसको पहले पता चल जाता है कि मेरे बच्चे को भूख लग गया है, उसका तबीयत खराब होने वाला रहता है तो उसको पता चल जाता है कि मेरे बच्चे का तबीयत खराब हो गया होने वाला है, तो सर वो अनुभव उनको कहाँ से हो जाता है कि मेरे बच्चे का तबीयत खराब होने वाला है, चाहे मेरे बच्चे को भूख लग गया है उसे दूध पिलाना चाहिए? तो ये तो सर पहली प्रतिक्रिया होती है कि जब उस बच्चा जन्मता है तो उसको पता नहीं होता है कि बच्चा कब मांगेगा दूध मांगेगा, कब उसको तबीयत खराब होगा, पर माँ को ये पहले से एहसास हो जाता है कि मेरे बच्चे को तबीयत खराब होने वाली है, चाहे उसे भूख लग गया है उसे दूध पिलाना चाहिए, तो ये कैसे अनुभव उनको हो गया, ये क्या चीज है सर, इस पर थोड़ा सा मुझे बता दीजिए सर। हमने किसी अपने एक सेशन में एक बात कही थी, उसे हम रिपीट करना चाहेंगे कि इस दुनिया में एक ही रिश्ता है जो रिश्ता है, बाकी सब फैब्रिकेटेड है, और वो है माँ का रिश्ता, और माँ का रिश्ता स्पर्श का रिश्ता है। स्पर्श का रिश्ता है कि जब माँ प्रेग्नेंट होती है पहले दिन, तभी से उसी दिन से उसमें परिवर्तन शुरू हो जाता है, क्योंकि कोई आत्मा उसके प्रवेश कर गई है उसके शरीर में और उससे उस स्पर्श का रिश्ता बन गया है उसका, और ये स्पर्श का रिश्ता जीवन भर रहता है। जब तक बच्चा जीवित होता है और माँ जीवित होती है वो स्पर्श का रिश्ता बरकरार रहता है, और स्पर्श का रिश्ता ही दुनिया में सबसे मजबूत माना जाता है। इसलिए दुनिया के तमाम धर्म संप्रदाय और जाति स्पर्श करके ही स्नेह प्रकट करते हैं, बेशक वो हाथ मिलाएं गले मिलें चुम्बन करें जो भी कुछ करें, लेकिन वो स्पर्श करके ही अपना स्नेह प्रकट करना चाहते हैं, यानी कि ये बताना चाहते हैं कि मैं तुम्हें माँ की तरह स्पर्श वाला प्यार करता हूँ, सच्चा स्नेह करता हूँ, ये भाव उत्पन्न करना चाहता है हर धर्म हर जाति हर संप्रदाय। तो जब रिश्ता ही दुनिया में एक है माँ का और बच्चे का, और वो स्पर्श का रिश्ता है, स्पर्श का रिश्ता है मतलब दोनों आत्माओं के बीच जो रेखा की हम बात करते हैं वो खत्म हो गई है। इसलिए बच्चा जो डिमांड करता है वो माँ ऑटोमेटिकली समझ जाती है, उसे किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, किसी अनुभव की जरूरत नहीं है। और ये बात माँ की छोड़िए, स्त्री की छोड़िए, एक जो पशु पक्षी आप उन्हें देखिए, जब पहला वो बच्चा जन्मती है तो उसे दूध पिलाने की ये बात चुग्गा देने की वो सब चीजें सीख जाती हैं, वो सब जो है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, ऑटोमेटिकली एक दूसरे का संप्रेषण एक दूसरे तक पहुंच जाता है। इसलिए माँ बच्चे के मनोभाव को बिना उसके बताए भी बिना उसके प्रकट करे भी समझ जाती है, क्योंकि वो स्पर्श का रिश्ता है और एक ही रिश्ता है दुनिया में। अगर एक ही रिश्ता है और वो रिश्ता के लिए भी हमें कुछ कहना पड़े मांगना पड़े तब हमारी डिमांड पूरी हो तो फिर रिश्ता नहीं रह जाता है। इसलिए माँ इसलिए सबको समझ लेती है। अब रमेश हमारा समय खत्म हो गया है, और अगर कोई मन में आपके क्वेश्चन है तो अगले सेशन में आप पूछ सकते हैं। आप सब लोगों ने हमारी बात बहुत ध्यान से सुनी, क्योंकि आपके क्वेश्चन बताते हैं कि आप ध्यान से सुन रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है आपको साथ ह्यूमन वैल्यूज पे हमारे जितने भी सेशन से उन्हें डिलीवर करते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं हजारों हजारों की संख्या में, उन सब से उन सब के प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे भाव आप सब तक पहुँचे, खासकर शिक्षकों तक जरूर पहुँचे, ताकि अगली जो जनरेशन है जो अगली पीढ़ी है बच्चों की उसमें वो समावेश कर सकें उनका, और एक अच्छी पीढ़ी बना सकें। अच्छी पीढ़ी एक उन्नत पीढ़ी एक उन्नत देश के लिए जरूरी होती है, और उससे हम एक उन्नत देश का निर्माण करेंगे ऐसी मैं आशा रखता हूँ। एक बार फिर सारे लोगों को मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद।